आवाज आ रही है क्लियर? अभी माज आप ही हो सिर्फ अकेले। हाँ ये 100 के नाम से किसी ने लॉगिन किया है, ये कौन है जरा तारुफ कराया? 100 सर जैन हूँ, सॉरी गलती से मैंने पासवर्ड की हाँ, जगह नाम नया नेम चेंज कर दें, डाल दिया। 100 की जगह पर नाम ही लिखे। लॉग आउट कर दे, मैं आपको लॉग आउट कर रहा हूँ दोबारा रीनेम करके। हाँ शमाज, रिदा और तहूर, तीन लोग मौजूद हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज साफ आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज साफ आ रही है? जी सर, यस सर, क्लियर है आपकी आवाज। सही। अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते, 1-2 मिनट, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अच्छा, मार्क्स के बारे में कोई क्वेरी है? पेपर के लेक्चर के आखिर में करिएगा, जब लेक्चर खत्म होगा ना उसके बाद हम लेंगे। तो पेपर के हवाले से, मार्क्स के हवाले से कोई बात करनी हो तो। अच्छा, कोई अच्छी बात कर लेते हैं स्टार्ट में। तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में तकवा के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, तकवा क्या, और मतलब सबर शुक्र तवक, सबर शुक्र और तकवा, ये तीन सिफात के बारे में आपको बताया मैं। चौथी है तवक्कुल, तवक्कुल एक सिफत है।
तवक्कुल का मतलब क्या होता है? उर्दू में तवक्कुल के मायने वैसे तो बहुत वसी हैं, लेकिन उर्दू के अंदर एक लफ्ज़ है भरोसा, तो ट्रस्ट, यानी कि इंग्लिश में से हम कहते हैं, तो वो समझे तवक्कुल के मतलब करीब करीब माने में, लेकिन तवक्कुल का मफहूम बहुत गहरा है ना। कुरान पाक की आयत है, जो अल्लाह पे तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। जो अल्लाह पे, यानी कि अगर तवक्कुल को आप भरोसे के माने में लो, जो अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी। तो तवक्कुल जो है ना, वो इसका आमतौर पे हम ये समझते हैं कि भाई जब हमसे कुछ हो नहीं रहा तो हम कहते हैं यार अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे छोड़ दो। जब अपनी कोशिश हम नाकाम हो जाते हैं फिर हम कहते हैं अल्लाह पे छोड़ो। हालांकि ये तवक्कुल नहीं है, ये भरोसा नहीं है। अल्लाह पे तवक्कुल ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करो और फिर नतीजा अल्लाह पे छोड़ो। ठीक है, पूरी कोशिश करने के बाद नतीजा, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दो, ये तवक्कुल है। कोशिश में कमी ना हो, लेकिन रिजल्ट जो है ना, उस रिजल्ट अगर आपकी कोशिश के खिलाफ भी आएगा तब भी आप मुतमईन रहोगे, क्योंकि आपने अल्लाह पे भरोसा किया है, अल्लाह ने रिजल्ट को आपके खिलाफ में लाया, इसमें आपके लिए बेहतरी है। आपने मेहनत पूरी की लेकिन रिजल्ट उसके मुआफिक नहीं आया, तो इसका मतलब यह होगा कि मतलब आपने अल्लाह पे भरोसा किया है तो अल्लाह ने आपके लिए यही बेहतर समझा है, तो इसलिए आपके साथ ऐसा हो। तो इसलिए तवक्कुल का मतलब ये होता है कि आदमी पूरी मेहनत करे और रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दे, रिजल्ट मुआफिक आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेहनत के मुताबिक जो है, बल्कि मेहनत से अच्छा नतीजा दे दिया। और अगर रिजल्ट जो है वो मेहनत के खिलाफ आए या मेहनत के बरखिलाफ आए तो उस पर भी मुतमईन रहे कि इसमें मेरे लिए बेहतरी है, मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया। तो आदमी डिसहार्ट नहीं होता, जो तवक्कुल करने वाला होता है वो डिसहार्ट नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह पे उसका ट्रस्ट रहता है। और इससे फायदा ये होता है कि आदमी में मायूसी नहीं आती, और जो है जद्दोजहद करना, कोशिश करना आदमी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो तवक्कुल के अलावा एक और चीज़ होती है जिसको आजकल जो हमारे ज़माने में राइज है, वह है खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब खुद एतमादी। ठीक है, यानी कि खुद पर एतमाद करना कि मुझे अपने आप पे एतमाद है, और मैं देखो आप बहुत अच्छी बात है, एतमाद होता है, कि खुद एतमादी जो है ना इंसान को तकब्बुर में मुब्तला कर देती है, तकब्बुर आ जाता है इंसान के अंदर। खुद एतमादी कॉन्फिडेंस के चक्कर में इंसान मुतकब्बिर हो जाता है। ठीक है, तो तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। खुदा एतमादी, अल्लाह अल्लाह ने जो तवक्कुल का कॉन्सेप्ट दिया ना, उसका मतलब है खुदा एतमादी, अल्लाह पे तवक्कुल करो। ठीक है, उसमें फायदा ये होगा जितनी भी बड़ी आपको जिंदगी में सक्सेस मिलेगी, आपका आप क्रेडिट अल्लाह को दोगे, अपने आप को नहीं दोगे क्रेडिट, तो तकब्बुर नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो ये मतलब चीज है, तवक्कुल जो है बहुत बड़ी सिफत है, और तवक्कुल अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम जिंदगी के अंदर बहुत ऐसी अचीवमेंट कर सकते हैं जो कि लोग समझेंगे कि यार ये इम्पॉसिबल है इसको करना, लेकिन अल्लाह पाक हमें जो है उसको करने की तौफीक इसलिए दे देगा क्योंकि हमने अल्लाह पे तवक्कुल किया है। तो हम अल्लाह पे तवक्कुल करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस वाला आदमी जो है ना, वो बड़े से बड़ा काम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है भाई जितना मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मैं वही कर सकता हूँ, उससे आगे नहीं कर सकता। लेकिन तवक्कुल वाला जो है ना, वो चूंकि अल्लाह पे भरोसा करता है तो वो अपनी ताकत से, अपने कुव्वत से बढ़कर काम कर सकता है, और नतीजा अल्लाह पे छोड़ा जा सकता है उसमें। तो बहरहाल ये कहने का मकसद था, हम अपने अंदर ये सिफत पैदा करें तवक्कुल की, और देखें कि हमारे सहाबा असलाफ में, बड़ों में, सहाबा में और नबियों में ये सिफत कैसे मौजूद थी, और हम भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये तो अच्छी बात हो गई, थोड़ा अटेंडेंस देख लेते हैं आज की, स्टार्ट करते हैं क्लास। अटेंडेंस का ले लेते हैं, जी क्लास में मुझे नजर आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स इस वक्त 8 हैं। ठीक है, यानी कि मुझे मिला के 9 हो गए, तो
28 लोग हैं, 28 में से 8 प्रेजेंट है, इसका मतलब है 20 एब्सेंट है। अच्छा जी, अच्छा मैं अटेंडेंस जो लोग मौजूद है उन्हीं के नाम लिख लेता हूँ। एक आशा मौजूद है, एक माज मौजूद है, एक रिजा उस्मान मौजूद है, एक सफिया सज्जाद मौजूद है, एक शिरीन मशल है, तहूर खान मौजूद है, जैन सलीम मौजूद है, शाहजेब जाफरी मौजूद है, नाम मैंने लिख लिया, बस ये प्रेजेंट है। आशा, माज, रिदा, सफिया सज्जाद, शिरीन मशल, तहूर खान, जैन सलीम और शाहजेब जाफरी, ये लोग जो है वो अभी प्रेजेंट है। बाकी कोई इस वक्त नहीं है, फर्स्ट सेशन। हाँ आशा का आपका क्लियर अटेंडेंस हो गई, बाकी जिनके मैंने नाम ले लिया ना ये लोग प्रेजेंट है, बाकी एब्सेंट। आशा, मास, रिदा, सफिया, शिरीन, तहूर, जैन, शाहजेब, ठीक है ये प्रेजेंट है, बाकी इनके अलावा सब एब्सेंट है। मोहम्मद अली सिद्दीकी भी मौजूद है, अच्छा जी इनको भी ये प्रेजेंट लगा देते हैं। ठीक है, मैंने वेटिंग रूम ऑन कर दी है, क्लास में कोई भी आएगा तो पता चल जाएगा। चलें, दो लोग आ गए अभी, आतिका और बिलाल। इनकी भी प्रेजेंट मार्क कर देते हैं। बिलाल हदीद आ गए, और कोई अभी आएगा तो देख लेते हैं। 9 बजे तक को मैं अलाउ करूंगा, 9 के बाद फिर नहीं। मियां सुहेबा,
हमने किया था लास्ट क्लास में कि आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा आपके सामने, और इसके अंदर जो है मतलब आप अरवाइन का रेडीमेड फंक्शन है, मैसेज बॉक्स के जरिए से जो है वो आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI इंटरफेस सपोर्ट करता है ये मैसेज बॉक्स, सामने आपको दिखा भी रहा है इसकी एग्जांपल। तो टाइटल था वो आपने एक वेरिएबल में डाला और जो अंदर का टेक्स्ट था दूसरे वेरिएबल में डाला, टाइटल को आपने EBX में रखा, अंदर के टेक्स्ट को EDX में रखा, फिर आपने कहा कॉल मैसेज बॉक्स, तो अरवाइन के फंक्शन ने क्या किया मैसेज बॉक्स के अंदर जो है EBX में जो रखा था टाइटल पे लगा दिया और जो EDX पे रखा था उसको अंदर के टेक्स्ट के अंदर जो है डिस्प्ले कर दिया। तो ये इस तरीके से मैसेज बॉक्स शो हो गया था। ये लास्ट क्लास में हमने यहीं तक किया था। आगे चलते हैं, अगला एक फंक्शन आ गया है मैसेज बॉक्स आस्क। ठीक है जी, मैसेज बॉक्स आस्क इसके अंदर जो है मैसेज बॉक्स बॉक्स है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप यस या नो के जरिए से जो है ना बताओगे कि, यानी कि इसमें दो बटन होंगे, यस का बटन भी होगा और नो का बटन भी होगा, यानी कि यूजर दो बटन, दो यूजर आप चाहते हैं ना कि भाई ये काम करना चाहते हैं यस या नो, डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो, इस तरह के जब इस तरह का कोई सवाल पूछना हो तो हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स आस्क। तो इसमें होगा क्या कि कंसोल विंडो के ऊपर ये चीज मैसेज आ जाएगा आपके सामने। अब इसमें आपने करना क्या होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से ही है, फर्क थोड़ा सा है, जो आपने क्वेश्चन डिस्प्ले करवाना है उसका एड्रेस आप रखोगे EDX में, ठीक है, और जो आपने क्वेश्चन जो है टाइटल के अंदर रखना है उसका जो है आप रखोगे EBX के अंदर, ठीक है, उसका एड्रेस, उसका आप ऑफसेट जो है वो EBX में रखोगे। तो अगर आपने टाइटल को ब्लैंक छोड़ना है तो EBS के अंदर जो है आप जीरो पास कर दें EBS रजिस्टर में, तो टाइटल ब्लैंक हो जाएगा। और जब आप मैसेज बॉक्स आस्क रिटर्न करोगे ना, जब मैसेज बॉक्स आस्क जो है वो करेगा क्या कि जो भी यूजर से वैल्यू लेगा उसको EAX रजिस्टर पे रख देगा, EAX रजिस्टर के अंदर रख देगा यूजर से वैल्यू लेने के बाद। और जाहिर है यूजर या तो यस प्रेस करेगा या नो प्रेस करेगा, अगर यूजर ने बटन में यस प्रेस किया तो EX में चला जाएगा 6, और अगर यूजर ने बटन के अंदर नो प्रेस किया तो EX रजिस्टर के अंदर चला जाएगा 7। ठीक है, EX रजिस्टर में 6 चला जाएगा अगर यूजर ने नो प्रेस किया, EX रजिस्टर में 7 चला जाएगा अगर यूजर ने नो प्रेस किया। ठीक है, यस के ऊपर 6 और नो के ऊपर 7 EX रजिस्टर के अंदर जो है पास हो जाएगा। तो ये मतलब उसका फंक्शनैलिटी के बारे में बताया, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर आ गई आपके सामने, इसको समझ लें ताकि इसको यूजर से पता चल जाए कैसे इस्तेमाल करते हैं। डॉट डेटा में आप गए, डॉट डेटा में जाने के बाद आपने कैप्शन में लिखा सर्वे कंप्लीटेड, तो नजर आ रहा है मतलब ये एक वेरिएबल बनाया कैप्शन के नाम से, कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर, कैप्शन का नाम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है वो क्या टेक्स्ट रख दिया आपने, सर्वे कंप्लीटेड, और ये नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग आपने आखिर में लगा दिया। और एक अगला वेरिएबल बनाया क्वेश्चन के नाम से जो बाइट टाइप का है, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द सर्वे, ये टेक्स्ट आपने रख दिया। और उसके बाद अगली लाइन, एक लाइन छोड़ी आपने 0DS0H, और अगली लाइन पे जाके आपने ये प्रिंट कराया, वुड मतलब आपने ये टेक्स्ट रखवाया, वुड यू लाइक टू रिसीव द रिजल्ट्स, ठीक है, ये टेक्स्ट आपने रखवा दिया, और इसको भी आपने नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग के जरिए से जो है यहाँ पर एंड किया, क्योंकि टेक्स्ट है जाहिर है। अब ये जो है पूरा टेक्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपने मूव EBX ऑफसेट कैप्शन, अब क्या किया कि कैप्शन जो है ना ये मूव कर जाएगा EBX में, इसका एड्रेस कैप्शन का एड्रेस EBX में चला गया, तो EBX में जो चीज चली जाती है वो टाइटल में आ जाएगी, तो सर्वे कंप्लीटेड जो हमने लिखा था वो टाइटल में आना शुरू हो जाएगा। मूव EBX ऑफसेट, और जो एड्रेस था क्वेश्चन का, क्वेश्चन एक वेरिएबल हमने बनाया ऊपर ये रहा, तो क्वेश्चन वेरिएबल का जो एड्रेस है ऑफसेट है वो आपने रखवा दिया EDX में, EDX रजिस्टर का नाम है, EDX में जो चीज होती है वो अंदर मैसेज के अंदर प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो आपने लिखा है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द सर्वे, वुड यू लाइक टू रिसीव द रिजल्ट्स, ये सारा टेक्स्ट जो है वो अंदर आ जाएगा। और फिर आपने लिखा कॉल मैसेज बॉक्स आस्क, जैसे ही आपने ये लिखा कॉल मैसेज बॉक्स आस्क, तो स्क्रीन पे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो EBX में था वो टाइटल बनेगा, जो EDX में था वो अंदर का टेक्स्ट बनेगा, और ये आपके सामने शो हो जाएगा, उसके अंदर दो बटन नजर आएंगे यस या नो। ठीक है,
यस पे जो है वो आपके सिक्स चला जाएगा, ई एक्स रजिस्टर में नो प्रेस करेंगे तो ई एक्स रजिस्टर में सेवन चला जाएगा, यानी कि वैल्यू जो होगी वो ई एक्स रजिस्टर के अंदर पास हो जाएगी यस या नो करने की बिहाफ पे। तो इसमें मतलब ये इसलिए करते हैं कि अगर यस किया तो आप चेक कर लो इफ ई एक्स इज इक्वल टू सिक्स, इसका मतलब है कि वो यस है, तो फिर ये काम करो प्रोग्राम में बता दो। इफ ई एक्स इज इक्वल टू सेवन तो इसका मतलब है नो है, तो आप बता दो कि अगर नो हो जाए तो प्रोग्राम में ये काम करो, यानी कि जो येस और नो पे काम करते हैं वो लॉजिक आपकी बन जाएगी, और आप इस मैसेज बॉक्स आस्क के जरिए से जो लॉजिक को जो है हैंडल कर सकते हो। तो आप जरूर इसको यूज कीजिएगा, खासतौर पे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जब आप प्रोग्राम को दोबारा चलाना चाह रहे हो तो लिखा हुआ आ जाए, या प्रोग्राम के आखिर में आ जाए ये बॉक्स के डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, और इस तरह की चीजें करेंगे तो ये अच्छा पॉजिटिव इमेज आएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो इस चीजों को यूज कीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। इस स्लाइड में तैयब आ गए हैं, थोड़ी देर से आए थे, वो कहते लाइट का इशू है। चलो ठीक है। अच्छा ये ठीक है, अटेंडेंस लगा दी। तैयब की मायरा भी आ गई थी, उनका भी अटेंडेंस लगा दी हमने। चले वसीम खान की भी प्रेजेंट लग गई, सबकी इनकी मैंने लगा दी, तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया उन्होंने लेकिन लगा दी मैंने प्रेजेंट। अच्छा ये आप देख ले, ये आपको इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? आज मैंने आपकी प्रेजेंट लगा दी है और उजैब की भी प्रेजेंट लगा दी है, अभी तक मतलब ये जितने लोग आ गए हैं उन सबकी प्रेजेंट लग गई है, 14 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं मुझे। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है स्लाइड? मैसेज बॉक्स आस्क, ठीक है, तो क्लियर है, आसान सी चीजें, मुश्किल नहीं है, और इसको यूज कीजिएगा जरूर प्रोजेक्ट्स वगैरह में अपने, जरूर यूज कीजिएगा ये। अच्छा जी आगे चलते हैं। रैंडम 32। अच्छा रैंडम 32 ये क्या है? ये एक्चुअली रैंडम नंबर क्रिएट, आपने देखा होगा कि सी प्लस में या सी शार्प में रैंडम नंबर जनरेट हो जाता है, तो असेंबली के अंदर भी ये फंक्शन मौजूद है, मतलब इरवाइन ने बना के रखा है, इरवाइन की लाइब्रेरी में ये फंक्शन मौजूद है, अरवाइन 32 के नाम से, सॉरी रैंडम 32 के नाम से ये फंक्शन मौजूद है। तो होता क्या है कि रैंडम 32 प्रोसीजर जनरेट्स एंड रिटर्न्स अ 32 बिट रैंडम इंटीजर इन ई एक्स, तो 32 बिट जो इंटीजर है वो ई एक्स के अंदर जो है वो आ जाएगा, रैंडम इंटीजर जो है वो ई एक्स रजिस्टर के अंदर आ जाएगा, यानी कि कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा और वो ई एक्स रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। व्हेन कॉल्ड रिपीटेडली रैंडम 32 जनरेट्स अ सिमुलेटेड रैंडम सीक्वेंस, जब बार बार कॉल करेंगे रैंडम 32 बार बार कॉल करेंगे तो रैंडम सीक्वेंस आ जाएगा, रैंडम सीक्वेंस के जरिए से अलग अलग नंबर हर मरतबा जो है आ जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट भी आ सकता है, मैं अभी आपको बताऊंगा डुप्लीकेट अगर ना आए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अलग अलग नंबर आ सकता है लेकिन डुप्लीकेट वही नंबर दोबारा आने के भी चांसेस होते हैं। तो बहरहाल ये रैंडम नंबर जनरेट होता है, द नंबर आर क्रिएटेड यूजिंग अ सिंपल फंक्शन हैविंग एन इनपुट कॉल्ड अ सीट, सब में एक सीट एक फंक्शन होता है सीट, सीट फंक्शन के जरिए हर मरतबा रैंडम नंबर नया आता है, और अगर सीट हर मरतबा नया आए तो जब सीट को अगर बदल दिया जाए तो रैंडम नंबर डुप्लीकेट नहीं होता, अगर सीट नहीं बदलेंगे एक ही सीट रहेगा तो डुप्लीकेट आने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सीट को अगर हम चेंज कर दें तो रैंडम नंबर जो है वो फिर डुप्लीकेट नहीं होते, फिर यूनिक रहते हैं। द फंक्शन यूजेस द सीट इन अ फार्मूला डेट जनरेट्स द रैंडम वैल्यू, अगर आप ये देखें ये इसका नीचे एक एग्जाम्पल दे दी है, डॉट डेटा में आप गए, डॉट डेटा में जाके आपने एक वेरिएबल बनाया रैंडम वैल के नाम से, डीवर टाइप का एक वेरिएबल है और ये अनइनिशियलाइज्ड रन टाइम पे इनिशियलाइजेशन होगी। डॉट कोड पे गए, वहां जाके आपने लिखा कॉल रैंडम 32, जब आपने ये फंक्शन कॉल किया तो फौरन ये फंक्शन कॉल होगा और कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होके 32 बिट का, रैंडम नंबर कितना होगा 32 बिट का रैंडम नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर रैंडम नंबर 32 बिट का जनरेट होके कहाँ पर आ जाएगा, ई एक्स रजिस्टर में आ जाएगा, ई एक्स रजिस्टर में चला जाएगा, जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कोई भी रैंडम नंबर 32 बिट का ई एक्स रजिस्टर के अंदर आ जाएगा।
फिर आपने क्या किया, उस नंबर को ई एक्स से उठाया और रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू यानी जो आपने वेरिएबल बनाया था ऊपर, उसके अंदर शिफ्ट करा दिया। अब ये रैंडम नंबर अब आपके पास मौजूद है जो कि जनरेट कराया गया है इरवाइन के फंक्शन से, जो कि रैंडम 32 है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? क्लियर है स्लाइड? ये ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कभी, मतलब स्लाइड के एंड में मैं जब ही रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले उसमें। अच्छा जी, रैंडम रेंज, रैंडम रेंज ये भी एक फंक्शन है इरवाइन का, रेडीमेड फंक्शन है रैंडम रेंज के नाम से, और ये भी रैंडम नंबर जनरेट करता है। स्टार्टिंग इसका जीरो से होता है और एंडिंग जो है जो भी नंबर आप बताओगे उसमें एक कम, एन माइनस वन। स्टार्टिंग जीरो से होता है हमेशा, इसकी रेंज रेंज स्टार्ट होगी जीरो से और एंडिंग कहाँ होगी, जो नंबर आप बताओगे उससे एक कम। अगर आपने 40 बताया तो 39, एक कम, ठीक है, यानी कि एक कम उससे जो है वो रैंडम नंबर जनरेट होगा। एन क्या है? वो इनपुट है जो कि आप हम पास करेंगे और उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो चीज होगी, उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो चीज यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो द रैंडम इंटीजर इज रिटर्न इन ई एक्स, तो रैंडम नंबर जो जनरेट होगा वो कहाँ पर रख दिया जाएगा? वहीं पर ई एक्स रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताइए नीचे, यहाँ एग्जाम्पल में क्या बताया कि अगर हम जीरो से लेके 4999 के दरमियान कोई रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं और उसको आप अपने वेरिएबल के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम नीचे लिखा हुआ है। डॉट डेटा पे जाके आपने एक वेरिएबल वही बनाया रैंडम वेल के नाम से, जो कि डीवर टाइप का इनिशियलाइज्ड है, और इस पे कोड डॉट कोड पे गए। डॉट कोड पे जाने के बाद आपने लिखा मूव ई एक्स 5000, तो ई एक्स में क्या चला गया? 5000। तो फिर आपने लिखा नीचे जाके कॉल रैंडम रेंज, जब आपने रैंडम रेंज कॉल किया फंक्शन तो होगा क्या कि जीरो से लेके, स्टार्ट हमेशा जीरो से होगा, और आपने रेंज क्या बताइए? 5000 आपकी रेंज बताइए, लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया था एन माइनस वन तक जो है वो रैंडम नंबर जनरेट होंगे, तो 5000 नहीं बल्कि 4999 के दरमियान जो है, जीरो से लेके 4999 के दरमियान जो है वो रैंडम नंबर जनरेट होगा और वो रख दिया जाएगा ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर, ठीक है। वो मतलब वो ई एक्स के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। अभी तो आपने 5000 रखवा ई एक्स के अंदर, लेकिन जब आप ये फंक्शन कॉल करोगे तो फिर ई एक्स रजिस्टर के अंदर जो है इस रेंज के अंदर से कोई सा भी नंबर उठा के लाके रख दिया जाएगा, और फिर आप उस ई एक्स की वैल्यू को उठा के अपने वेरिएबल में यूज कर लो। तो ये स्लाइड क्लियर है? रैंडम रेंज, इसके किसी रेंज के अंदर कोई रैंडम नंबर जनरेट करना, लेकिन रेंज के अंदर भी ना आप स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा जीरो रहेगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते, स्टार्टिंग पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा जीरो रहेगा। हाँ, एंडिंग पॉइंट जो रेंज का है वो आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ 5000 दिया तो एक कम 4999 के अंदर जो है वो रैंडम, क्योंकि एक कम क्यों कर रहा है? क्योंकि स्टार्ट जीरो से कर रहा है, इसलिए एक कम कर रहा है। अगर वन से स्टार्ट करता तो फिर एक कम नहीं करता। स्लाइड क्लियर है? ये रैंडम रेंज वाली, कोई क्वेश्चन है स्लाइड में? सही है, क्लियर है। अच्छा, रैंडमाइज, रैंडमाइज एक फंक्शन है। रैंडमाइज प्रोसीजर क्या करता है? ये जो मैंने आपको बताया था ना, हर मर्तबा यूनिक नंबर चेंज हो, यूनिक हर मर्तबा यूनिक रैंडम नंबर आया, तो हर मर्तबा यूनिक रैंडम नंबर जब भी आ सकता है जब आप सीट चेंज कर दो, जब सीट चेंज हो जाएगा हर मर्तबा रैंडम नंबर जनरेट होगा। जी फजील, कोई क्वेश्चन है? खाल में माइक तो मैंने अनम्यूट तो किए हुए, अगर आप नमाज के लिए भी ब्रेक लेते हैं, बस थोड़ी देर में 5 मिनट में ब्रेक लेते हैं।
अच्छा जी, मैं बता रहा था रैंडम प्रोसीजर इनिशियलाइजेस द स्टार्टिंग सीट, स्टार्टिंग सीट बदल चेंज कर दो, स्टार्टिंग सीट चेंज हो जाएगा तो हर मरतबा जो है वो रैंडम नंबर जो है वो नया जनरेट होगा, हर मरतबा रैंडम नंबर नया जनरेट होगा। तो आप देखें ना, सीट इक्वल्स टू द टाइम ऑफ डे, असल में उसके पीछे कोई एक फंक्शन है जो डे पूरे 24 घंटे के अंदर से वो 1/100 का सेकंड का 100वें सेकंड का एक हिस्सा जो यूज करता है, अपना एक फंक्शन है इसके बैकग्राउंड के अंदर जिसके जरिए से वो रैंडम नंबर जनरेट करता है, और वो इस वजह से रैंडम नंबर हर मरतबा यूनिक होगा। जब आप सीट चेंज कर दोगे तो रैंडम नंबर यूनिक यूनिक जनरेट होगा। तो बस आपने करना क्या है, फंक्शन के शुरू में आपने रैंडमाइज कॉल करवा देना है, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, नीचे आप देखें लिखा हुआ है कॉल रैंडमाइज। जब आप कॉल रैंडमाइज करोगे तो होगा क्या कि रैंडमली जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और ECX में चला जाएगा 10। जब आप कॉल रैंडमाइज करोगे तो क्या होगा कि यूनिक नंबर जनरेट होगा, रैंडम नंबर यूनिक जनरेट होगा, लेकिन उसके लिए सीट चेंज हो जाएगा, यानी कि सीट चेंज हो गया, नया सीट बन गया जिसकी बिहाफ के ऊपर रैंडम नंबर जनरेट होता है, नया सीट बन गया जब आपने कॉल रैंडमाइज किया। फिर आपने लिखा ECX में आपने क्या पास कर दिया, 10। ECX आपको पता है लूप चलाने के लिए हम यूज करते हैं, तो हमने 10 मरतबा लूप चलाना है, 10 मरतबा लूप चलाना है तो जाहिर है ECX में हमने पास कर दिया 10। और L1 ये क्लेब भी बनाया, वहां जाके हमने लिख दिया कॉल रैंडम 32, तो वही 32 बिट का रैंडम नंबर जनरेट होगा। और आप नीचे यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हो 30 ECX के अंदर, जाहिर है वो रैंडम 30, जब आप रैंडम 32 करोगे तो जो रैंडम नंबर जनरेट होके कहाँ आ जाएगा, ECX रजिस्टर में आ जाएगा, जाहिर है अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो वो फिर आप उस नंबर को जो है वो आप उठा के डिस्प्ले भी करा सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ECX रजिस्टर से उठा के स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करा सकते हो। और नीचे लूप रखा हुआ है लूप L1, तो लूप L1 दोबारा आपको यहाँ ले जाएगा। तो ये करेगा क्या कि 10 मरतबा रैंडम नंबर जनरेट होंगे, क्योंकि कॉल रैंडम 32 10 मरतबा ये लूप चलेगा, क्योंकि लूप 10 मरतबा क्यों चलेगा, क्योंकि ECX के अंदर आपने 10 रखवाया है, तो 10 मरतबा लूप चलेगा और 10 मरतबा ECX रजिस्टर के अंदर अलग अलग रैंडम नंबर आएंगे, उस अलग अलग रैंडम नंबर को आप अलग वेरिएबल में स्टोर करा के डिस्प्ले कराते जाओ तो 10 डिफरेंट रैंडम नंबर आपके सामने आएंगे। रैंडमाइज से फायदा क्या हुआ, रैंडमाइज से फायदा ये हुआ जो 10 जो नंबर रैंडम जनरेट होंगे ना उसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा, हर रैंडम नंबर नया होगा। अगर आप ये रैंडमाइज यूज नहीं करते तो सीट चेंज नहीं होता, जब सीट चेंज नहीं होता तो फिर चांसेस थे कि वो रैंडम नंबर कोई दोबारा भी आ जाए, ठीक है, वो रैंडम नंबर कोई दोबारा भी आ जाए। यूनिक रैंडम नंबर का जनरेट करना है तो शुरू में आपको रैंडमाइज लिखना पड़ेगा, ये फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा, उसकी उस सूरत में सीट चेंज हो जाता है, और सीट चेंज होने की सूरत में आपका फंक्शन जो है वो रैंडम नंबर जो है वो यूनिक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो कि डुप्लीकेट नहीं होगा। जी कोई क्वेश्चन है स्लाइड में तो पूछ सकते हैं। रैंडमाइज समझ में आ गया, रैंडमाइज का काम क्या है, यानी कि यूनिक रैंडम नंबर जनरेट हो, सीट चेंज कर देता है, इसको यूज नहीं करोगे तो रैंडम नंबर डुप्लीकेट भी आ सकता है। क्लियर है ये स्लाइड? ठीक है, अब जो है वो ऐसा मीटिंग का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा से मीटिंग का जो है मैं स्टार्ट करूँगा, दोबारा सब आप रिकनेक्ट हो जाइएगा।